स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर्स। देखो, प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के बारे में बताया था जो ह्यूमन बिहेवियर का रिजल्ट होते हैं। इसमें मैंने आपको तीन स्ट्रेसेस बताए थे, जिसमें पहला स्ट्रेसर था नॉइज, दूसरा था पॉल्यूशन और तीसरा था क्राउडिंग। इन तीनों स्ट्रेसर्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स? देखो, नेचुरल डिजास्टर्स ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं जो रिजल्ट होते हैं नेचर्स फरी का। यानी जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जब नेचुरल एनवायरनमेंट में से बिल्ट अप एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो इमेंस डैमेजिंग होते हैं। दोनों तरह के डैमेज यहाँ पर होते हैं, यहाँ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के ही डैमेज होते हैं जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। तब जैसे देखो, जब आप पेड़ काटते हैं तो वहां सोइल लूज हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग होती है। जब बारिश आती है तो जो फर्टाइल सोइल है वो सारी पानी में बह जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव लैंड है वो बैरन हो जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? फेमिन। दूसरा, जो ट्रीज होते हैं वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आगे उस पानी को बहकर नहीं जाने देते। और जब आपने सारे ट्रीज ही काट दिए तो सारा पानी बह जाएगा और रिजल्ट होगा फ्लड। तो इस तरह से जब भी नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है, डैमेजिंग होता है, और वो सारा फेस करना होता है ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने ही नेचुरल एनवायरनमेंट में से बिल्ट अप एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी। अब देखो, डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर ये दो तरह के अलग अलग डिजास्टर्स फॉर्म है। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन जो डिजास्टर होते हैं वो मैन मेड क्रिएशन होते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर में क्या आते हैं? नेचुरल डिजास्टर में आते हैं अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस। और दूसरा जो मैनमेड डिजास्टर्स है उसमें आते हैं वॉर्स, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लाइक पॉइजनस गैस लीकेज। देखो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर हो, दोनों के ही जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। जैसे कहीं फ्लड आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही डैमेज करेगा। इसी तरह से जो मैनमेड डिजास्टर्स होते हैं, जैसे दो कंट्री के बीच में वॉर हो गया, या फिर कोई एपिडेमिक यानी ऐसी बीमारी जो सारे एरिया में फैल गई, या फिर पेंडेमिक जैसे अभी अभी रिसेंटली हम सबने एक्सपीरियंस किया है कोविड को। तो इस तरह के जब डिजास्टर्स आते हैं तो ये इमेंस डैमेज करते हैं ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का। अब देखो, डिजास्टर चाहे नेचुरल हो या फिर मैनमेड, दोनों तरह के डिजास्टर का इफेक्ट नेगेटिव होता है। दोनों तरह के डिजास्टर में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का इमेंस डैमेज होता है। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो पर्सन होमलेस हो जाता है, वो पॉवर्टी स्ट्राइकन हो जाता है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। दूसरा, उसके पास जो भी बिलोंगिंग्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी उसके डियर वंस है, उसका भी लॉस हो जाता है। तो ये सफिशियंट होता है पर्सन को शॉक लगने के लिए और उसे स्टंड होने के लिए, जिससे पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब देखो, जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो ये हमेशा सडनली आते हैं, ये कभी भी वॉर्न करके नहीं आते, ये कभी भी अलर्ट करके नहीं आते।
तो जो डिजास्टर्स आते हैं दे कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, दे कम विदाउट वार्निंग एंड रिजल्ट्स इन डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमेशा वो सडनली आता है, जैसे कोई अर्थक्वेक आता है तो आपको पता नहीं लगता, आप आराम से घर में हैं और एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें काफी डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से जो भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं ये सडनली आते हैं, ये विदाउट वार्निंग आते हैं, इन्हें हमें फेस करना होता है क्योंकि हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता है। हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज होते हैं फ्लाइट और फाइट, उसमें से हमें फाइट रिस्पॉन्सेज तैयार करने पड़ते हैं क्योंकि इन डिजास्टर्स से हम फ्लाइट नहीं कर सकते। क्लियर? तो जब भी ये डिजास्टर आते हैं हमें इमोशनली स्ट्रोंग होना पड़ता है, जब हम इमोशनली वीक हो जाते हैं तो ये रिजल्ट करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, जिसे हम कहते हैं PTSD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PTSD। PTSD की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ऐसा डिसऑर्डर जो ट्रोमा के बाद में जनरेट हुआ है, ऐसा स्ट्रेस जो ट्रोमा को एक्सपीरियंस करने के बाद जनरेट हुआ है वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और जब ये स्ट्रेस चलता ही रहता है ट्रॉमा के बाद, तो पर्सन साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, ये सब मैं आपको बता रही हूँ इसके फीचर्स के रूप में। पहला पॉइंट आता है इमीडिएट रिएक्शन। देखो, जब आप कोई भी नेचुरल डिजास्टर फेस करते हैं तो सबसे इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है डिसओरिएंटेशन, शॉक एंड डिनायल। जब भी आप इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां जाएं, कैसे हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करें। आप एकदम शॉक हो जाते हैं, स्टंड हो जाते हैं, आप उस चीज को इजिली एक्सेप्ट नहीं करते, उसे आप हमेशा डिनाई करते रहते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहला रिएक्शन होता है डिसओरिएंटेशन का, जिसमें पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि इस नेचुरल डिजास्टर को मैं कैसे फेस करूं। सेकेंड पॉइंट आता है फिजिकल रिएक्शन। इसमें आता है एग्जॉशन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। देखो, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, जबकि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते फिर भी आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फटीग आपको महसूस होता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, सारी रात आप जागते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं दोबारा से ये सिचुएशन अराइज ना हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, सारे फिजिकल सिम्टम्स आपके चेंज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इमोशनल रिएक्शन। इसमें आता है ग्रीफ, फियर, एंगर, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। देखो, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, आप इमोशनली हर्ट होते हैं, जैसे आपको ग्रीफ होता है, आपको दुख होता है उस सिचुएशन को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर आपको बहुत दुख होता है, आप सोचते हैं कि कैसे, किस तरह से यहाँ जान और माल का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों ने सब मैनेज किया था, वो विद इन सेकेंड सब खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट इज फियर। यहाँ पर आपको डर लगता है, आप अपनी लाइफ के लिए, अपने डियर वंस की लाइफ के लिए वरीड होते हैं, आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी तो गई, कहीं हमारी जान ना चली जाए, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा फियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगर। आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। फिर आता है हेल्पलेसनेस। देखो, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, सेकेंडली आप उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपको उसे फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप हेल्पलेस हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है।
लास्ट पॉइंट इज होपलेसनेस। देखो आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, आपको किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि जो भी आपकी बिलोंगिंग्स थी वो सब डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पर आप टोटली डिसहार्टेड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि दोबारा से हम कैसे सब नया क्रिएट करेंगे, दोबारा से कैसे हम रूटीन में आएंगे। तो इस तरह से आप साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तब। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉग्निटिव रिएक्शन। कॉग्निटिव रिएक्शन में आएगा डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, रिड्यूस स्पैन ऑफ अटेंशन। देखो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आपकी कॉग्निशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसके साथ साथ आपका स्पैन ऑफ अटेंशन भी रिड्यूस हो जाता है, आप अपनी अटेंशन को फोकस नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब आपकी अटेंशन ही फोकस नहीं होगी तो यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, यानी किसी चीज को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, क्योंकि जो आपको शॉक लगा है उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन खत्म हो गया, अटेंशन खत्म होगी, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी वो सब खत्म होगी, रीजनिंग थिंकिंग एबिलिटीज खत्म होगी, तो यहाँ पर आपकी मेमोरी भी लैप्स हो जाती है। और लास्ट पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन। इसमें आता है विड्रोअल सिम्टम्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिजेक्शन और लेफ्ट आउट। देखो सोशल रिएक्शन में क्या होता है कि विड्रोअल सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। जब भी आप नेचुरल डिजास्टर फेस करते हैं तो आपका सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, यहाँ पर आप आइसोलेटेड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, लेफ्ट आउट फीलिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव कर सकते थे, इस वजह से फैमिली में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर विड्रोल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन आपके डिटीरियोरेट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट थे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 5 पॉइंट आप ध्यान से समझ लेना। पहला पॉइंट क्या है कि इसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है। इमीडिएट रिएक्शन में क्या होता है कि आप इस सिचुएशन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको डिसओरिएंटेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। इसमें आपके जो फिजिकल सिम्टम्स है वो सारे चेंज हो जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, आप हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इमोशनल रिएक्शन। इसमें आपको बहुत ज्यादा फियर होता है, आपको एंगर आता है, एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, होपलेस हो जाते हैं और हेल्पलेस हो जाते हैं। इसी तरह से जो कॉग्निटिव रिएक्शन होता है, इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है, मेमोरी खत्म हो जाती है, यहाँ पर आपका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी जो अटेंशन होती है वो सस्टेन नहीं हो पाती। और लास्ट पॉइंट आता है सोशल रिएक्शन। इसमें आपको विड्रोअल सिम्टम्स आ जाते हैं, आप रिजेक्टेड और लेफ्ट आउट फील करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर। देखो जो भी पर्सन ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है उसे यूजुअली नाइटमेयर्स आते हैं, उसे फ्लैशबैक होता है, वो होपलेस हो जाता है, एंजाइटी फेस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस सब का कारण होता है कि जो डिजास्टर आया था वो कितना सीवियर था। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ। पहला पॉइंट आता है इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। अगर डिजास्टर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर पर्सन को उतना ही सीवियर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा, उसको PTSD उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। दूसरा पॉइंट आता है कोपिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस। देखो अगर पर्सन की कोपिंग स्किल बहुत अच्छी है, यानी वो एडवर्स सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो इमोशनली स्ट्रोंग है, तो वो ज्यादा ट्रोमा एक्सपीरियंस नहीं करेगा और सिचुएशन से इजीली बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑकर्ड। इसमें दोनों ही लॉस आते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी का।
देखो अगर पर्सन का बहुत ज्यादा लॉस हो गया, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके डियर वंस का भी लॉस हो गया, तो वो सारी जिंदगी उस ट्रोमा को एक्सपीरियंस करेगा, उसे PTSD बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फील होगा, उसे ये डिसऑर्डर लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन अगर पर्सन को सिर्फ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो उसे वो धीरे धीरे रिकवर कर लेगा और उसे ज्यादा ट्रोमा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो लाइफ का जो लॉस हुआ है उसे तो हम दोबारा से नहीं ला सकते, लेकिन प्रॉपर्टी के लॉस को हम दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तीन पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जितना सीवियर नेचुरल डिजास्टर था उसके अकॉर्डिंग ही PTSD डेवलप होता है। क्लियर? अब देखो कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं टू मिनिमाइज कॉन्सिक्वेंसेस। देखो ये तो आपको पता है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उन्हें हम ना कंट्रोल कर सकते हैं ना हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं ताकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वार्निंग। वार्निंग में आता है व्हेन हाई टाइड्स आर प्रेडिक्टेड फिशरमैन आर आस्क्ड नॉट टू वेंचर इनटू सी। देखो आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उन्हें हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो जब सी में साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, तो जो फिशरमैन होते हैं उन्हें पहले से ही वॉर्न कर दिया जाता है कि वो मछली पकड़ने ना जाएं। तो इस तरह जब भी किसी नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हमें कोई भी वार्निंग मिलती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें उस सिचुएशन को इजीली नहीं लेना चाहिए, हमें एकदम अलार्मिंग स्टेट में होना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो हमें क्या करना होगा। क्लियर? इसके बाद हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कवर योर हेड अंडर स्टडी टेबल ड्यूरिंग अर्थक्वेक। देखो नेचुरल डिजास्टर के लिए हमें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे सपोज अर्थक्वेक आ जाता है और आप घर में हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने आप को कवर करेंगे एक स्टडी यानी मजबूत टेबल के नीचे। आप मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे या आप किसी कोने में बैठ जाएंगे, ज्यादा मूवमेंट आप नहीं करेंगे। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं तो आप अपना हेड पिलो से कवर कर लेंगे। कभी भी आपको जो ग्लास वाले डोर और विंडोज होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो ये सडनली आते हैं, ये कभी भी हमें वॉर्न करके नहीं आते। अब देखो जब पर्सन ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है उसे PTSD हो जाता है, तो इसके रेमेडियल मेजर्स क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। PTSD कैन बी रेमेडीड थ्रू नंबर 1 मटीरियल हेल्प शुड बी गिवन लाइक फूड क्लोथिंग शेल्टर मेडिसिन। देखो जो भी पर्सन इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहा है सबसे पहले उसे मटीरियल हेल्प देनी चाहिए, यानी उसको हमें फूड क्लोथिंग शेल्टर और मेडिसिन हेल्प सबसे पहले देनी चाहिए। ये होती है मटीरियल हेल्प। दूसरा पॉइंट आता है डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी में क्या होता है कि पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए, उसकी सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करना चाहिए। जैसे पर्सन के अंदर ये विलिंग होनी चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन रिकवर फ्रॉम दिस एडवर्स सिचुएशन। जब पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो जाती है, वो उस एडवर्स सिचुएशन से इफेक्टिवली डील कर लेता है। तीसरा पॉइंट आता है हेल्प फॉर रिहैबिलिटेशन इज नीडेड टू गेट बैक टू हिज लाइफ। अब देखो दोबारा से उसकी लाइफ को रूटीन में लाने के लिए हमें उसे रिहैबिलिटेशन थेरेपी देनी चाहिए। इसमें क्या होता है जैसे पर्सन को कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करवा दिया, उसको कोई छोटा सा एम्प्लॉयमेंट शुरू करवा दिया ताकि वो दोबारा से अपनी लाइफ के ट्रैक पर आ जाए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो इस तरह से ये तीन पॉइंट आपको लिखने हैं। जब पर्सन ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता है और उसे PTSD हो जाता है तो सबसे पहले उसे मटेरियल हेल्प देनी चाहिए,
इसके बाद उसकी सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करना चाहिए और बाद में उसको रिहैबिलिटेशन हेल्प भी देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ दोबारा से कंटिन्यू कर सके। अब देखो, हम नेचुरल डिजास्टर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जो ये नेचुरल डिजास्टर रिजल्ट होते हैं, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे नेचर को डिस्टर्ब करने के, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और जब हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं तब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अकर होते हैं। तो हमें नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉलो करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है वो प्रो एनवायरमेंटल होना चाहिए। इसमें क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। देखो, जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से सारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। तीनों ही पॉल्यूशन को हमें रिड्यूस करना चाहिए। पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन और तीसरा है सोइल पॉल्यूशन। तीनों तरह के पॉल्यूशन को ही हमें कंट्रोल करना चाहिए। जब हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा एनवायरमेंट क्लीन होगा, हेल्दी होगा और जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं वो मिनिमाइज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब देखो, गार्बेज डिस्पोजल को हमें सेंसिबली मैनेज करना चाहिए। दोनों तरह के गार्बेज जो वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों को सेपरेट करना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिस को हमें घर से ही फॉलो करना चाहिए। जैसे जो किचन वेस्ट है उससे हमें कंपोस्ट बनानी चाहिए ताकि वो ट्रीज में डाली जाए, प्लांट्स में डाली जाए। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हॉस्पिटल वेस्ट है, उसको भी सेंसिबली मैनेज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांटिंग ट्रीज। हमें एफोरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। ट्रीज काटने पर रोक लगानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए, तभी हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी एंड फ्रेंडली होगा। हमारे एनवायरनमेंट में किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रीज होंगे तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज सेइंग नो टू प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो टॉक्सिक गैस निकलती है, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे जो पॉइजनस गैस निकलती है वो तीनों तरह के ही एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। एयर पोल्यूट करती है, वाटर पोल्यूट करती है और साथ में सोइल भी पोल्यूट हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक के यूज को हमेशा नो कहना चाहिए। कभी भी हमें प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स होते हैं उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जब हमारा बिहेवियर प्रो एनवायरमेंटल होगा तो हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ह्यूमन बीइंग नेचुरल एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करके, उसे मॉडिफाई करके बिल्टअप एनवायरमेंट बनाने की कोशिश करता है, तो ओवरऑल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पर। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वारी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।